के क्वेश्चन में हमारा सबसे पहला क्वेश्चन था कि यहां भी क्वांटिटी को, अगर क्वांटिटी के अकॉर्डिंग कमीशन चाहिए, क्वांटिटी ग्रेटर देन 60 है तो कमीशन क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय 40 होनी चाहिए, जो कि बीर सिंह जी आपने फॉर्मूला से इस तरह से बनाया हुआ था। लेकिन मैंने साथ में ये भी किया हुआ था कि इसको यूजिंग द बनाना है। तो चलिए इसकी में इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम आपको देते हैं। तो इसमें सबसे पहले क्या करना होगा, देखिए हमने आपको बताया था कि हम लॉजिकल ऑपरेटर डायरेक्ट लगा सकते हैं, तो हमने यहीं पे ग्रेटर देन इक्वल टू या ग्रेटर देन 60 कर दिया, तो रिजल्ट ट्रू या फॉल्स में आया। साथ हमने भी बताया था कि ट्रू इक्वल टू 1 होता है एंड फॉल्स इक्वल टू होता है। अब इसको साबित किया जा सकता है कि इन दोनों को प्लस करते हैं तो रिजल्ट आपका 1 आएगा और 2 ट्रू करते हैं तो 2 आएगा, इससे प्रूफ होता है कि फॉल्स इक्वल टू 0 एंड ट्रू इक्वल टू 1। जब यहां पे फॉल्स इक्वल टू 0 है, ट्रू इक्वल टू 1 है, हाँ मुझे आधे घंटे की क्लास खत्म होती है तो चेक करके रिप्लाई करता हूँ। स्क्रीन ऑन द रिकॉर्डिंग है ना सर, तो अभी मैं नहीं खोल सकता ना। और यहां पे हमने वापस क्वांटिटी को ही रख दिया। तो क्या होगा कि अगर किसी नंबर को अगर आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट 0 आएगा, 1 से करेंगे तो आपका 1 आएगा। आया सर? अब यहां पे क्या हुआ कि ये छट गया कि जो ग्रेटर देन 60 था वो 0 हो गया और जो ग्रेटर देन 60 था उस पे नंबर्स आ गए। अब इनको हमें 40 से मल्टीप्लाई कर देना है। रिजल्ट आ गया। अब क्वेश्चन यहां पे ये आता है कि ऐसा त्रिकोण करेंगे क्यों हम, जब हमारे पास सिंपल फॉर्मूला है तो सिंपल फॉर्मूला यूज करेंगे, हम इतना त्रिकोण क्यों करेंगे? क्या क्या बोल रहे सर? अब खरगोश को मारने के लिए तोप थोड़े लाएंगे, बंदूक से काम चल जाएगा। तो ये चीज आपकी सोच पे डिपेंड करता है। ये आप लोग इंटरव्यूअर ये सवाल हमेशा पूछेगा ताकि वो जान सके कि आपके फॉर्मूले के ऊपर कितना लॉजिकल है आप। मतलब कि आप लॉजिक, जैसे थोड़ा देर पहले मैंने सिंह जी आपने मुझे प्रॉब्लम बताया और मैं थोड़ी देर में ही उसका सोल्यूशन ढूंढ लिया। इस तरह की एग्जांपल, इस तरह की कैलकुलेशन अगर वो आपको देगा आप करके तुरंत बता देते हो, इससे पता चलता है कि फॉर्मूले को आप कितना लॉजिकली समझ रहे हो। और फॉर्मूले को लॉजिकली समझने का मतलब है कि आपके दिमाग में एक्सेल की तरह प्रोसेसिंग, मतलब कि आपको कोई सवाल आया तो आपके दिमाग में उसकी प्रोसेसिंग चल जाएगी और उसका थ्योरेटिकल मैप तैयार हो जाएगा कि इसमें इस तरह से करेंगे तो सॉल्यूशन आ जाएगा। तो बिल्कुल एक्सेल की तरह सोचना। इसलिए इंटरव्यू में इस तरह के सवाल पूछी जाती है, रियल लाइफ में इसका खास यूज नहीं है, लेकिन इंटरव्यू में या किसी तरह के एग्जाम्स में ये पूछे जाते हैं, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस है ये करीब 10-15 इंटरव्यू में पूछे गए थे, इसलिए मैंने इसको टेस्ट में शामिल किया था।